नमस्कार दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम थाने जाते हैं एक कंप्लेंट दर्ज कराने को, पर वो कंप्लेंट दर्ज नहीं होती, या फिर अगर दर्ज हो भी गई है तो उसको FIR के तौर पे उसे रजिस्टर नहीं किया जाता, और अगर FIR के तौर पे रजिस्टर हो भी गई है तो उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं होती या कोई स्टेप्स नहीं लिए जाते। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो आज की जो डिस्कशन है हमारी इसी टॉपिक पे है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ऐसे ही लीगल टॉपिक्स और मुद्दों पर डिस्कशन करते हैं। हमारे लीगल डिस्कशंस के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको टाइम टू टाइम हम जो भी डिस्कशंस करते हैं उससे अपडेटेड रहें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम थाने जाते हैं एक कंप्लेंट को रजिस्टर कराने के लिए, तो कई बार वो रिसीव कर लेते हैं, पर कई बार वो नहीं भी करते, या अगर रिसीव कर लेते हैं तो उसको FIR में तब्दील नहीं करते, या FIR भी अगर हो जाती है, अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि जो पुलिसकर्मी हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ाते। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए, जो कि लीगली प्रोवाइडेड है, और लॉ भी इस चीज़ को फोर्सी करती है कि अथॉरिटीज़, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो भी पर्याप्त या जो भी रिक्वायर्ड नेसेसरी स्टेप्स हैं उन्हें ना लें। तो ऐसी सिचुएशन में लॉ ने ही प्रोसीजर प्रोवाइड किया हुआ है कि आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं कि जो उस थाने के SHO हैं उनके ऊपर जो अथॉरिटी है, जैसे मान लीजिए कि DCB का ऑफिस है या SP का ऑफिस है, तो आप उस कंप्लेंट को वहाँ जाकर भी करें, और कंप्लेंट के साथ आप ये भी कहें कि मैंने ये कंप्लेंट थाने में करी थी, और जो थाने के SHO या जो भी OC हैं वो इस कंप्लेंट को रिसीव नहीं कर रहे हैं, या फिर उन्होंने कंप्लेंट रिसीव कर ली है पर उसे FIR में तब्दील नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने FIR कर दी है पर इस पर कुछ स्टेप्स आगे नहीं कर रहे, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। तो इससे क्या होगा, जो भी SHO के ऊपर के जो ऑफिसर हैं, DCP या ACP, वो उन्हें डायरेक्ट करेंगे, या फिर जो भी स्टेप्स हैं वो उस पर लेंगे। उनके पास ये अथॉरिटी भी होती है कि वो उस इन्वेस्टिगेशन को अपने लेवल पर करें। दोस्तों, अक्सर ऐसा भी होता है कि आप DCP के ऑफिस गए या SP के ऑफिस गए और वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स ना आए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें। ऐसी सिचुएशन में आप कंप्लेंट को और भी एस्केलेट कर सकते हैं, जो कि आप कमिश्नर के ऑफिस में या जो IG होता है या DG होता है उनके ऑफिस में आप कंप्लेंट को एस्केलेट कर सकते हैं, ये कह करके कि नीचे दो स्टेप्स पे जहां मैं गया था, एक SHO या OC के ऑफिस में, या ऊपर DCP के ऑफिस में गया था और वहां पर भी कोई स्टेप्स नहीं लिए गए। तो इसके बाद जो थर्ड स्टेज होता है वो होता है कमिश्नर, IG या DG के ऑफिस में आप कंप्लेंट को एस्केलेट कर सकते हैं, और वो फिर नेसेसरी जो भी डायरेक्शन होगी वो उन्हें ऑफिसर्स को देंगे, और इन्वेस्टिगेशन ऐसे हो सकता है कि स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ तक अगर आपकी कंप्लेंट पे नेसेसरी स्टेप्स लिए जाते हैं, वेल एंड गुड, पर अगर आप इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, अगर मान लीजिए जो पुलिस के टॉप ऑफिशियल हैं उनको भी आपने कंप्लेंट एस्केलेट कर दी, उन तक भी आपने अपनी कंप्लेंट पहुँचा दी, पर उस पर कुछ स्टेप्स नहीं लिए जा रहे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास और तीन ऑप्शंस बचते हैं। सबसे पहला कि हम एक मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जा सकते हैं, और मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि हमने कंप्लेंट करी थी और पुलिस जो है उन्होंने अपनी नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन इस पर नहीं करी, या जो भी नेसेसरी स्टेप्स थे वो पुलिस वालों ने नहीं लिए हैं, तो इस पर मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, मैजिस्ट्रेट पुलिस वालों से एक स्टेटस रिपोर्ट मंगवाते हैं, और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो स्टेटस रिपोर्ट पुलिस से आई है उन्होंने नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए हैं, तो मजिस्ट्रेट पुलिस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने का डायरेक्शन दे सकती है। तो दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156(3), जिसमें कि मजिस्ट्रेट मॉनिटर करते हैं इन्वेस्टिगेशन, आप दूसरी चीज़ जो कर सकते हैं मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वो ये है कि आप उस एक ओरिजिनल क्रिमिनल कंप्लेंट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक पुलिस के पास कंप्लेंट फाइल की, उस पर कुछ नहीं हुआ, सेम कंप्लेंट हम मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी फाइल कर सकते हैं। तो ये जो कंप्लेंट्स फाइल होती हैं वो होती हैं सेक्शन 190 रेड विथ सेक्शन 200 ऑफ CRPC के अंडर। तो इस कंप्लेंट में मैजिस्ट्रेट अगर आपके ऑफेंस में कॉग्निजेंस लेते हैं तो पुलिस को हो सकता है इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दे, या मैजिस्ट्रेट इस केस में खुद भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शंस काम नहीं करते तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
इसके अलावा आप हाई कोर्ट में एक सेक्शन 482 सीआरपीसी का भी पिटिशन फाइल कर सकते हैं। और दोस्तों, ये हाई कोर्ट के पास जाने के अलावा आप ह्यूमन राइट कमीशन में भी एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, बिकॉज राइट टू गेट योर कंप्लेंट इन्वेस्टिगेटेड इज अ वेरी नेसेसरी राइट जो कि हर सिटीजन के पास होता है, और इसको एक ह्यूमन राइट का दर्जा भी दिया गया है। और अगर आपकी जो कंप्लेंट है उस पर नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए जाते, अगर उनमें नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, तो आप ह्यूमन राइट कमीशन में भी आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ये कहकर कि आपका जो ह्यूमन राइट है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, और जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है आपके स्टेट की, वो उसमें डायरेक्शन देगी पुलिस को, और आपको जो अगर लीगल सपोर्ट चाहिए वो लीगल सपोर्ट भी कई केसेस में ह्यूमन राइट्स कमीशन प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। आपका अगर कोई भी इसमें कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो इसके रिलेशन में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं हम किसी दूसरे टॉपिक पे भी डिस्कशन करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं, वी वुड बी मोस्ट हैप्पी टू आंसर देम। और दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है, तो इसको कृपया शेयर करें। उसके अलावा आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे यहाँ पहली बार आए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी जो भी लीगल डिस्कशंस है वो टाइम टू टाइम रिसीव होती रहे, क्योंकि ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ हम लीगल टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं ताकि एक सोशली अवेयर कम्युनिटी बन पाए। क्योंकि अगर एक सोशली अवेयर कम्युनिटी बनती है, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ अ सिविल सोसाइटी। दोस्तों, विद दैट आई टेक योर लीव। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, गुड बाय।